Is Anyway Bantai the biggest beef rapper in Indian hip hop? Let's find out. So Anyway Bantai अब तक अपने करियर में मल्टीपल रैपर्स के साथ डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो चुके हैं. रफ्तार, डिवाइन, एमसी स्टैन, कृष्णा, बादशाह और ये लिस्ट और भी लंबी है. और अगर हम एनीवे के अगेंस्ट डिस्ट्रैक्ट की बात करें तो मल्टीपल रैपर्स के साइड से हमें एनीवे बंटाई के लिए या तो फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रैक्ट या फिर सबलिमिनल शॉट्स देखने को मिले हैं. अगेन इंक्लूडिंग रैपर रफ्तार, एमसी स्टैन, डिवाइन, मुफाड, कृष्णा, कर्मा, तलहा यूनिस, इक्का, बादशाह, ये कुछ ऐसे रैपर्स के एग्जांपल है जिन्होंने डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट निकाला है एनीवे के ऊपर या फिर कभी ना कभी सबलिमिनल लिया है. लास्ट ईयर 2022 में ही हमें कृष्णा और एनीवे बंटाई का एक फुल फ्लेज्ड बीफ देखने को मिला था जहां पे मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज हुए थे और जहां पर बाकी डीएचएच रैपर्स बीफ के बाद थोड़े से डिस्ट्रैक्ट या फिर सबलिमिनल से दूर हो जाते हैं. एनवे बंटाई के केस में ऐसा नहीं है. इवन 2023 में भी हमें एनवे बंटाई के साइड से मल्टीपल डिस्ट्रैक अब तक देखने को मिल चुके हैं. एनवे बंटाई ने इस साल ही पहले तो अपने ट्रैक किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप में रैपर्स जैसे कि एमसी स्टैन, कृष्णा और बादशाह को डिस किया. एंड अगेन रिसेंटली ही उन्होंने एक और ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम है स्टिल नंबर वन, जहां पे वो अगेन मल्टीपल रैपर्स के ऊपर शॉट्स लेते हैं. और सरप्राइजिंगली उसी ट्रैक के एंड में एनवे बंटाई ने अपना एक और ट्रैक अनाउंस कर दिया था जिसका नाम होने वाला है गुड बॉय, जो कि बादशाह के लिए डिस ट्रैक होने वाला है. उस ट्रैक का टीजर आज ही ड्रॉप होने वाला है और ऐसी उड़ती उड़ती रूमर्स आ रही है ना कि उस ट्रैक में हनी सिंह की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. मे बी उन्होंने बीट प्रोड्यूस किया हो या फिर इन अदर वे उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें पॉसिबल है. सो एनवे बंटाई ने कुछ साल पहले ही अपने एक ट्रैक में खुद को बीफ रैपर डिक्लेयर कर दिया था. सो इफ यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ अ बीफ रैपर तो तुम्हारे साइड से डिस ट्रैक तो आएंगे ही और एग्जैक्टली एनवे बंटाई के तरफ से वैसा ही हो रहा है. बट अगेन हम सवाल पे वापस आ जाते हैं, इज एनवे बंटाई द बिगेस्ट बीफ रैपर इन इंडियन हिप हॉप या फिर डीएचएच? वो तुम्हें वीडियो में आगे पता चल जाएगा. 13th अक्टूबर 2018 एनवे बंटाई अपना एक सिंगल ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था समझ में आया क्या. और ये एग्जैक्टली वही ट्रैक था जिसके बाद डीएचएच में बीफ का एक बहुत बड़ा वेव आ गया. इस ट्रैक के ड्रॉप होने के बाद एनवे बंटाई रफ्तार के साथ वन ऑन वन बीफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो अब तुम लोग सोच रहे होगे फिर से रैप बॉट वही पुरानी चीजें बताने लग गया, हमें पता है इस बीफ के बारे में. बट जरूरी है, अगर हमें कंक्लूजन पे जाना है, जो सवाल है उसका आंसर ढूंढना है ना, तो हमें रूट कॉज से स्टार्ट करना होगा. सो साल था 2018, इंडियन हिप हॉप सीन रैपिडली ग्रो कर रहा था और इवन बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट की भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी. उसमें से एक थे एनवे बंटाई. एनवे बंटाई ने अब तक अपना एक अच्छा खासा फैन बेस बना लिया था और इस ट्रैक के ड्रॉप होने के पहले भी ही वॉज गेटिंग डिसेंट नंबर्स. बट गेटिंग इन्वॉल्व इन अ बीफ विथ अ रैपर जो कि उस टाइम इंडस्ट्री पे टॉप पे बैठा है, मैं रफ्तार की बात कर रहा हूँ. रफ्तार उस टाइम पे बहुत ही जाने माने रैपर्स थे एंड इवन अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट अगर उस टाइम पे किसी भी मेन स्ट्रीम रैपर को अपना इंस्पिरेशन मानते थे या फिर लुकअप करते थे तो वो थे रफ्तार. और तुम एनवे बंटाई का यहाँ पे गट्स देखो, बीइंग एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ही जंप्ड इन अ बीफ विद रफ्तार. एनवे बंटाई को कॉन्सिक्वेंसेस का बिल्कुल भी परवाह नहीं था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, उन्हें खुद में कहीं ना कहीं यकीन था अगर वो इस बीफ में इन्वॉल्व होते हैं या फिर इस बीफ को स्टार्ट करते हैं ना, वो इतने कैपेबल है कि रफ्तार के साथ बीफ कंटिन्यू कर सकते हैं. तुम रफ्तार और एनवे बंटाई की एज डिफरेंस देख लो, कितना बड़ा गैप है. इवन एक्सपीरियंस में भी दोनों के बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जहां पे एनवे बंटाई ने 2013 में रैप करना स्टार्ट किया था, रफ्तार 2007-08 से ही रैप कर रहे हैं. और अगर एनवे बंटाई के अलावा कोई और अंडरग्राउंड रैपर होता ना तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे सिचुएशन में चोक कर देता जो एनवे बंटाई ने नहीं किया. और एनवे और रफ्तार के इस बीफ ने हमें एनवे बंटाई के माइंडसेट और कॉन्फिडेंस के बारे में बताया. एंड दिस इज अ ट्रू क्वालिटी ऑफ अ बीफ रैपर जो हमें एनवे बंटाई के पहले बीफ में ही देखने को मिल गया. ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे. दे दो मुझे गाली, मुझे घंटा पड़े फर्क नहीं, ना ही कोई नशा ना ही फूकता मैं चरस भाई, सब कुछ रॉ ऊपर वाले का ये बंदा, हजम नहीं होगी मेरी बातें थोड़ी अलग भाई, माँ को उम्मीद है और क्या चाहिए, बाप मेरा गाने सुने. सो गाने का नाम है कलाकार और आर्टिस्ट है शार्प शूटर. सो भाई के साइड से हमें एक तगड़ा हार्ड कोर ट्रैक देखने को मिला है. भाई का फ्लो स्पेशली मुझे बहुत ही सही लगा. यंग आर्टिस्ट है, टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है भाई में. अगर तुम लोग को स्निपेट पसंद आया एक बार जाके पूरा ट्रैक सुनो, स्निपेट से ज्यादा बेटर लगेगा तुम लोग को ट्रैक. सच में बता रहा हूँ, बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, टैलेंटेड आर्टिस्ट है, सपोर्ट डिजर्व करते हैं. गाने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ गाना चेक करो, कमेंट में जाके भाई को बताओ गाना कैसा लगा है और ढेर सारा प्यार दे दो भाई को, ठीक है. सो यस, चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन.
सो अगर देखा जाए तो बीफ रैपर तो कोई भी बन सकता है, लाइक किसी भी रैपर को डिस कर दो, कोई भी अगर तुम्हें डिस कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स कर दो, किसी को पोक कर दो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दो। है कुछ रैपर जो ऐसी हरकतें करते हैं, बट हम उससे बीफ रैपर बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। बट एमवी बंटाई में ऐसी कुछ चीजें हैं, एमवी बंटाई एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जो उनको एक रियल सेंस में बीफ रैपर बनाता है, और वो है एनवी बंटाई का स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अब देखो, जब एनवी और रफ्तार का बीफ हुआ ना, दैट बीफ वाज ह्यूज, और उस बीफ के बाद डीएचएच में शायद ऐसा सबको लगने लग गया ना कि अगर हम बीफ में इन्वॉल्व होंगे तो हमारा बीफ भी एनवे और रफ्तार के जितना बड़ा हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। एनवे और रफ्तार का बीफ जितना बड़ा हुआ था, शायद फ्यूचर में हमें कोई भी बीफ उतना बड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। ओके, सो आते हैं मुद्दे पे। जैसे मैं बोल रहा था कि जब एनवे और रफ्तार का बीफ हुआ, उसके बाद मल्टीपल रैपर्स ने एनवे को पोक किया, इवन एनवे बंटाई के ऊपर डिस्ट्रैक्ट भी निकाले गए। हमें मुफाड़ के साइड से एनवे बंटाई के लिए डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला। आधी कमाई तेरी मेहनत डबल, जा रहा सही था ना पाया संभल, सब कुछ सही है बस कमी तेरी सोच में जो खिल के भी। इवन तलहा यूनिस ने एक फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया एनवे बंटाई के लिए। छुपे राज अल्फाज में बातें गहरी, लोगों को समझने में लग जाता टाइम इतना खास में। और अगर हम सबलिमिनल्स की बात करें तो पता नहीं कितने सारे रैपर्स ने सबलिमिनल ले रखा था उस बीफ के बाद, बट एनीवे बंटाई इग्नोर्ड एवरीवन। अब तुम बोलोगे, भाई अगर तुम बीफ रैपर हो, अगर तुम अपने आप को बीफ रैपर बुला रहे हो तो तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, ये बोलना तो आसान है कि एनीवे बंटाई क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे, या फिर किसी रैपर के लिए क्यों डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप नहीं कर रहे, बट एक डिस्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। सिर्फ एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करना नहीं है, अगर मान लो उसके बाद चीजें एक्सकलेट होती है तो तुम्हें एक प्रॉपर बीफ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज होंगे, और ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखो, यहाँ पे जो रैपर्स डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर रहे हैं एनवे के लिए, उनका सिर्फ क्वालिटी मैटर नहीं करता है, ये भी मैटर करता है कि उस रैपर का सीन में रेपुटेशन कैसा है, उस रैपर के नंबर कैसे है, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। सो ये जो डिस गेम और बीफ गेम है ना, इसमें क्लाउट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, मोस्टली ये क्लाउट के लिए ही किया जाता है। सो जो रैपर एनवे बंटाई को डिस कर रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसे क्लाउट चाहिए, वो क्लाउट के लिए डिस कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि एनवे बंटाई को कुछ नहीं चाहिए, एनवे बंटाई को भी एग्जैक्टली पता है ना कि किस रैपर के साथ बीफ में इन्वॉल्व होने से उनका फायदा है और किसके साथ इन्वॉल्व होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए एमवी बंटाई ने अपने पूरे करियर में बहुत ही स्मार्टली अपने ऑप्स को सेलेक्ट किया है या फिर इग्नोर भी किया है। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं दो रैपर्स की बात करूंगा, एक एमसी स्टैन और एक कृष्णा। सो रफ्तार एमवी बीफ के बाद एमसी स्टैन और कृष्णा दोनों ने एमवी बंटाई को डिस किया था, बट एमवी बंटाई डिडंट रिप्लाई। एमवी बंटाई को पता था अगर वो रिप्लाई करते हैं दैट विल बी अ विन फॉर दोज रैपर्स। एमवी का तो इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, बट वो जो रैपर्स है ना उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज एमवी बंटाई वॉज वे बिगर इन नंबर एट दैट टाइम कंपेयर टू दोज रैपर्स। सो एक तरफ कुछ रैपर्स को रिप्लाई नहीं कर रहे थे एमवी बंटाई, ऑन द अदर हैंड जब डिवाइन ने एमवी बंटाई को डिस किया, डिवाइन के लिए एमवी बंटाई ने डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया। अगेन स्मार्ट मूव बाय एमवी बंटाई, बिकॉज डिवाइन वॉज वे bigger than MC Stan and Krishna at that time, so Divine के लिए diss track drop करना तो बनता था। So exactly यहाँ पे जो मेरा point है वो है the smart decision making of MVO Bantai। जब बात आती है beef की या फिर diss track drop करने की, वो अपने opponents को बहुत ही ध्यान से choose करते हैं और सही time का wait करते हैं। अगर किसी ने diss भी किया है ना तो तुरंत reply back नहीं करना, थोड़ा वेट कर लो, बाद में reply करेंगे। और अभी तक तो ये strategy MVO के लिए बहुत ही successful रही है। So, एक चीज अगर तुम लोगों ने अभी तक नोटिस किया होगा तो एनवे बंटाई अब तक जितने बीफ में इन्वॉल्व हुए हैं वो कभी भी बीफ के बीच में बैकआउट नहीं करते हैं। अगर वो उन्हें इग्नोर करना है तो वो स्टार्टिंग में ही इग्नोर कर देंगे रैपर को, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बट जब वो बीफ में कूदते हैं तो उसके बाद वो बैकआउट करते ही नहीं है। एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को अभी देता हूं। सो लास्ट ईयर हमें कृष्णा और एनवे का बीफ देखने को मिला था। कृष्णा ने एमवे को 2019 में ही डिस कर दिया था, बट उस टाइम पे एमवे ने इग्नोर किया। 2022 में जब एमवे बंटाई फिर से कृष्णा के साथ बीफ में इन्वॉल्व हुए, उसके बाद एनवे और कृष्णा के बीच मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज हुए। और स्टार्टिंग से मैं ये देखता आ रहा हूँ, एनवे जिस भी बीफ में इन्वॉल्व होते हैं ना, लास्ट डिस्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा ही एनवे बंटाई का होता है। मतलब अगर कोई रैपर डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करेगा तो एनवे बंटाई उसका रिप्लाई करके ही मानते हैं। तुम चाहे एनवे वर्सेस रफ्तार बीफ देख लो, एनवे वर्सेस डिवाइन बीफ देख लो, या फिर एनवे वर्सेस कृष्णा बीफ देख लो। एंड इवन लास्ट ईयर जब एनवे कृष्णा बीफ में डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था बीफ खत्म हो गया है, कृष्णा ने अपना एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था आई गेस, जहां पे कृष्णा एनवे के ऊपर सबलिमिनल्स लेते हैं। एंड इवन एनवे बंटाई ने उस सबलिमिनल का रिप्लाई करने के लिए फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया जिसका नाम था गेस। सो दिस प्रूव्स कि अगर एनवे अपने ऑप्स को इग्नोर कर रहे हैं तब तो इग्नोर ही करेंगे, तो उनके साइड से शायद ही रिप्लाई देखने को मिलेगा, बट जब वो डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करना स्टार्ट कर देंगे
तब भाई वो जब तक अगला बंदा पोक कर रहा है ना तब तक उनके साइड से रिप्लाई आता है एंड दिस इज अगेन अ साइन ऑफ बिगेस्ट बीफ रैपर। एंड इवन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें ना तो एमवे बंटाई करंटली वही कर रहे हैं जो उन्होंने कृष्णा के साथ किया था पिछले साल, डिस पे डिस ट्रैक ड्रॉप किए जा रहे हैं एमसी स्टैन और बादशाह के लिए, अगेन प्रूविंग द सेम पॉइंट, ही डोंट बैक आउट फ्रॉम द बीफ, अगर कोई रैपर पोक करता है ही इज रेडी फॉर इट। और अगर हम एनवे मंटाई की पूरी बीफ डिस्कोग्राफी निकाल के देखें ना तो एनवे मंटाई ने कुछ ऐसे डिस्ट्रैक भी ड्रॉप किए हैं जो शायद पूरे डीएचएच में वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रैक कंसीडर होंगे और कुछ ऐसे डिस्ट्रैक भी ड्रॉप किए हैं जो बहुत ही बेकार है। सो मोस्टली अभी तक अपने करियर में जितने भी बीफ में एनवे मंटाई इन्वॉल्व हुए हैं उससे उनके करियर को बेनिफिट ही हुआ है, उनके करियर को बूस्ट ही मिला है अपार्ट फ्रॉम फ्यू। ओके सो शायद अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो सवाल क्या था, इज एनवे वंटाई द बिगेस्ट बीफ रैपर इन इंडिया? एंड माय आंसर इज यस, ही इज द बिगेस्ट बीफ रैपर इन इंडिया जो कि बीफ से डरते नहीं है, बीफ से बैकआउट नहीं करते। अगर कोई रैपर उन्हें पोक करता है और वो कैपेबल है रिप्लाई के लिए तो उसे रिप्लाई भी करते हैं। नंबर्स वाइज अभी तक डीएचएच या फिर आईएचएच में सबसे ज्यादा बीफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। डीएचएच में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट अगर किसी रैपर का किसी अगले रैपर के साथ है तो उस लिस्ट में एनवे वंटाई टॉप पे है, मल्टीपल रैपर्स के साथ भाई ने पंगा ले रखा है। तो इन सब रीजंस की वजह से कैसे ना बुलाएं हम एनवे वंटाई को द बिगेस्ट बीफ रैपर? यस, ही इज द बिगेस्ट बीफ रैपर इन डीएचएच अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तुम लोग को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताओ, तुम अपनी ओपिनियन खुले आम कमेंट में लिख सकते हो। अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट, बस अच्छे से करना, अच्छे से वार्तालाप करेंगे हम, ठीक है? और बाकी चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताओ, ऐसे कंटेंट और लेके आऊंगा मैं फ्यूचर में। बाकी अगर तुम मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने और अन अकेडमी ने मिलकर एक कोर्स निकाला है म्यूजिक प्रोडक्शन का, 30 वीडियो का कोर्स है, एक बार चेक कर लेना, ज्वाइन कर लेना अगर तुम चाहो तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टी शर्ट बाय कर सकते हो दी साइड चेन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस वॉज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।